Hello everyone. In last video we discussed about the different part of the flower. In this video we will discuss about the estivation, placentation and the male and the female part of the flower. Beta, firstly we start from the estivation. Now estivation se start karte hain. एस्टिवेशन के एक्चुअल में अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन ए फ्लोर बर्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं कि किसी भी फ्लोर के अंदर जो सेपल और पेटल है बेटा वो किस तरीके से अरेंज हो रही है, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोल देंगे, एस्टिवेशन बोल देते हैं। तो द मोड ऑफ अरेंजमेंट of sepal or petals in a floral bird is known as estivation. कहीं कहीं पे बोल भी देते हैं कि इन द फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर, यानी कि जो दूसरे मेंबर है मेल और फीमेल उनके अकॉर्डिंग यहां पर सेपल और पेटल कैसे अरेंज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। तो सिंपली ये हो गया कि भाई सेपल और पेटल का अरेंजमेंट फ्लोर में किस तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो एस्टिवेशन है दे हैव द डिफरेंट टाइप्स, उनके कुछ टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, कौन कौन से टाइप हैं सेपल और पेटल के अरेंज होने के वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो मेनली बेटा यहाँ पर जो टाइप हैं दे आर द फोर मेन टाइप, चार मेन टाइप हैं। कौन कौन से हैं, पहला टाइप है दैट इज वेलवेट, सेकेंड वन इज द ट्विस्टेड, थर्ड वन इज द इम्ब्रिकेट एंड द बेटा लास्ट वन इज द वेक्जिलरी, लास्ट वन इज द वेक्जिलरी। ये फोर डिफरेंट टाइप्स हैं सेपलो पेटल के अरेंज होने की। तो हमें ये एक एक करके देखना कि इन चारों में क्या क्या डिफरेंस होगा वो हमें यहां पर देखना है। देखो सबसे पहले है कौन सी, वेलवेट। वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होगा कि जो सेपल और पेटल के जो मार्जिन है वो सिर्फ एक दूसरे को टच करेंगे, है ना, सिर्फ एक दूसरे को टच करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। मतलब कैसे, यहां पर देखो जो एक लाइन है बेटा वो सेपल या पेटल को रिप्रेजेंट करने लग रही है, सिर्फ वो इस तरीके से होंगे, कभी भी एक दूसरे के किनारे को वो ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। इनके एंड हो गए, आप देख रहे हो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे लेकिन ओवरलैप नहीं करने लग रहे। तो ये क्या हो गया, वेलवेट। तो वेलवेट के फीचर आप देख सकते हो कि जो, तो वेलवेट में क्या होगा कि जो सेपल और पेटल के जो मार्जिन होंगे वो एक वॉल में होंगे, सिर्फ एक दूसरे को टच करेंगे, है ना, लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे। तो मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल प्रेजेंट इन ए वॉल एंड टच ईच अदर बट डोंट ओवरलैप, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो उसको हमने क्या बोल दिया, वेलवेट एस्टिवेशन बोल दिया। दूसरा बेटा क्या, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड के केस में होगा क्या कि जो एक है वो दूसरे के किनारे को दबाएगी, दूसरा तीसरे के किनारे को दबाएगा, तो इस तरीके से लगातार ऐसा अरेंजमेंट चलेगा। कैसे देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें एक है
बेटा इसका एक एंड कैसे हो जाएगा इनफीरियर हो गया, और एक एंड कैसे हो जाएगा सुपीरियर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका जो एक एंड है वो कैसे हो गया इनफीरियर, और एक कैसे हो जाएगा बेटा यहाँ पर सुपीरियर हो जाएगा, कुछ ऐसे दिखाई देगा। देखो एक जो अंदर की तरफ आ रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो एंड है ये इस दूसरी वाली सेपल या पेटल के नीचे आ रहे हैं, तो दिस वन इज द इनफीरियर, आई का मतलब इनफीरियर। इधर ही ऊपर आ रहा है तो ये बेटा कौन सा हो गया सुपीरियर। फिर यहाँ पर देखो इन्फीरियर सुपीरियर इन्फीरियर सुपीरियर इन्फीरियर सुपीरियर इन्फीरियर सुपीरियर, अल्टरनेट तरीके से यहाँ पे जो एंड हैं वो प्रेजेंट होने लग रहे हैं। तो जितनी भी वर्ल्ड हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करने लग रही है, जिससे एक एंड कैसे हो जाएगा इन्फीरियर और एक कैसे हो जाएगा सुपीरियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ 1 पेटल ओवरलैप द मार्जिन ऑफ एडजेसेंट पेटल, यानी कि जो 7 वाली पेटल है उसके किनारे को दबा देगी। तो यहां पर बेटा सुपीरियर इन्फीरियर का लगातार अरेंजमेंट बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर मैं वेलवेट एस्टिमेशन की बात करूं कि किसमें मिलेगा, तो बेटा यहां पर एग्जांपल आ जाएगा कैलोट्रोपिस, अगर मैं ट्विस्टेड एस्टिमेशन के एग्जांपल की बात करूं तो यहां पर एग्जांपल में आएगा चाइना रोज, कॉटन एंड द ओकरा दैट इज लेडी फिंगर, वो यहाँ पर। ठीक है, तो आप अरेंजमेंट देखते हो तो अल्टरनेट तरीके से यहाँ पर आने लग रहे हैं, एक एंड सुपीरियर और एक कैसे है इन्फीरियर, तो दैट इज ट्विस्टेड। दूसरा है बेटा इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट में आप देखोगे तो ट्विस्टेड के जैसे ही होगा, बट यहाँ पर क्या होगा कि एक पेटल टोटली इन्फीरियर होगी और एक कैसे होगी टोटली सुपीरियर होगी। तो देखिए कैसे, जैसे मान लो मैंने ये बना दिए एक, अब ये बेटा दोनों की दोनों कैसे होगी इन्फीरियर होगी इसमें, ये सुपीरियर हो गई ये भी सुपीरियर हो गई, लेकिन जो ये अभी बच गई है वो कैसे होगी इस तरीके से यहां पर देखो ये सुपीरियर यहां पर इन्फीरियर सुपीरियर इन्फीरियर यहां पर सुपीरियर ये था इन्फीरियर। तो यहां पर आप देख सकते हो बेटा कि जो पेटल्स हैं इसमें टोटली कैसी है इन्फीरियर एक टोटल, और एक ही वाली जो है वो टोटली कैसी है सुपीरियर, और बाकी की जैसे भी बेटा वो कैसे हैं ट्विस्टेड मैनर की तरीके से अल्टरनेट तरीके से अरेंज होने लग रही है। तो ऐसी एस्टिमेशन जिसमें एक सेपल टोटली इन्फीरियर हो और एक टोटली सुपीरियर हो, बाकी की कैसे रहे वहां पर ट्विस्टेड मैनर में रहे, तो उसको आप इम्ब्रिकेट बोलते हो। व्हेन वन इज सुपीरियर एंड वन इज टोटली इन्फीरियर, वो बाकी की है एंड रिमेनिंग अरेंज इन ट्विस्टेड मैनर, तो उसको हम इम्ब्रिकेट बोल देते बेटा। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल है वो आ जाएगा आपका केसी एंड द गुलमोर, केसी एंड गुलमोर। ठीक है, तो ये हो गया इम्ब्रिकेट। नाउ लेट्स वन इज द वेक्जिलरी, बेटा वेक्जिलरी को हम बटरफ्लाई एस्टिवेशन भी बोलते हैं, आल्सो नोन इज द बटरफ्लाई एस्टिवेशन। ठीक है,
ये जो बटरफ्लाई एक्सिबिशन है, जो वेगजेलरी है बेटा, वो स्पेशल टाइप की है जो मेनली लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर मिलती है। ठीक है, तो कैसे दिखाई देगी, देखिएगा यहाँ पर ये एक हो गई जो सबसे बड़ी है, उसके बाद में फिर यहाँ पर दो बेटे ऐसे नीचे की तरफ है, और यहाँ पर दो ऐसी है, और इनके जो एंड है वो ऐसे जुड़े हुए। तो ये जो सबसे ऊपर वाली है, दैट इज द वन दैट इज लार्जेस्ट, सबसे बड़े साइज की। ठीक है, उसके बाद में जो ये नीचे वाली है, ये दो दे आर द स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटी है। और बेटा जो ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनी है, दैट इन ओन द कील और कैराइना, इसको हम कील या कैराइना बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बनी है, दैट इन ओन द वेजेलरी या फिर बटरफ्लाई एस्टिवेशन। अगर हम इसमें बात करेंगे तो जो सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है, दैट इन ओन द स्टैंडर्ड, इसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, स्टैंडर्ड पेटल इसको बोलते हैं, जो सबसे बड़ी है, जो बाकी की दो पेटल्स को क्या करने लग रही है, कवर करने लग रही है। जो ये बीच वाली बेटा दो, दे आर नोन एज द विंग, इनको हम विंग बोल देते हैं। और जो सबसे जो छोटी थी नीचे, वो नीचे की तरफ है, और इसमें एक जो पॉइंटेड एंड बना है, दैट इन ऑन द कील और कैराइना, इसको हम कील और कैराइना बोल देते हैं। तो आई थिंक शायद लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायग्राम हर एक चीज को बताने लग रहा है इधर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आ जाते हैं, तो एग्जाम्पल में बेटा पी एंड बीन, अगर फैमिली की बात कर दें तो लेग्यूमिनेसी फैमिली, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली फैमिली है, जिसके अंदर जितनी भी दाल है वो सारी की सारी आती है, तो उसके अंदर ये मेन फीचर मिलेगा। बेटा आफ्टर एसिवेशन वी डिस्कस अबाउट द टू अदर पार्ट ऑफ द फ्लोर, दैट इज एंडोसोम एंड द गाइनोसोम। देखिए नेक्स्ट वन आ जाएगा हमारा, दो पहले डील कर चुके हम, कैलिक्स और कोरोला, जो थर्ड वन पार्ट हमें डील करना, दैट इज एंडोसोम, ग्रुप ऑफ स्टेमन, स्टेमन के ग्रुप को हम एंडोसोम बोलते हैं। और आपको पता है कि जो स्टेमन है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, पहले देख चुके हम, प्लांट किंगडम में भी हमने देखा था ये, दिस वन इज द एंथर एंड दिस वन इज द फिलामेंट। ठीक है, एंथर और फिलामेंट, एंथर को तब कट करते हैं तो बेटा अंदर से कुछ ऐसे सेगमेंट निकलते हैं जहां पर स्पोर डेवलप होते हैं, तो दीज आर द पोलन सैक, जहां पर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, मेक द पोलन ग्रेन, एंड पोलन ग्रेन आर द मेल गैमिट। ठीक है, मेल गैमिट। अगर बेटा कोई फ्लोर ऐसा है, जनरली जो ये रहते हैं इनमें कितने लोब रहती हैं, दो रहती हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है जिनमें एक लोब भी रहती है। लेकिन कुछ फ्लोर ऐसे होते हैं जिसके केस में स्टैमन कैसे रहता है, स्ट्राइल नेचर के रहते हैं, तो दैट स्ट्राइल मेल फ्लोर या फिर मेल पार्ट इन द सेमिनोइड, मेन पॉइंट में ही अलग से डालो मैं, दैट इज सेमिनोइड। तो ये स्ट्राइल सेमन, नोन एज सेमिनोड, उसको हम सेमिनोड बोलते हैं। ठीक है, और बेटा इनका जो साइज है स्टेमन का, वो वेरी करता है, कहीं पे छोटा होगा कहीं पे बड़ा होगा। ठीक है, इवन एक फ्लोर के अंदर इनका साइज वेरी कर जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये है कि जो स्टेमन है वो अलग अलग पार्ट से अटैच होके कुछ अलग अलग कंडीशन डेवलप कर देते हैं, जैसे मैं बोल दूं एपीपेटलस कंडीशन, व्हेन स्टेमन इज अटैच विद द पेटल, दैट इज नोन एज द एपीपेटलस कंडीशन।
जो स्टेमन है वो किस किस से बाइंड हो रहा है और उसकी वजह से कौन कौन सी कंडीशन जनरेट हो रही है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो एपी पेटलस कंडीशन, व्हेन स्टेमन इज अटैच विद पेटल, दैट इन्होंने द एपी पेटलस कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसमें मिल जाएगी आपको, ब्रिंजल के अंदर मिलेगी, ठीक है। दूसरी है एपी फाइलस कंडीशन, नेक्स्ट वन इज द एपी फाइलस कंडीशन, एपिफाइलस कंडीशन क्या होगी, व्हेन स्टैमन इज अटैच विद द पेरियंथ, और पेरियंथ क्या था, ग्रुप ऑफ द सेपल एंड पेटल। अगर सेपल और पेटल आपस में जुड़ जाए और हम उसके बीच में डिफरेंस ही ना कर पाए कि सेपल कौन सी और पेटल कौन सी है, तो उसको हम पेरियंथ बोलते हैं। तो एपिफाइलस कंडीशन, व्हेन स्टैमन इज अटैच विद पेरियंथ, पेरेंट क्या था, फ्यूजन ऑफ सेपल एंड पेटल। तब सेपल और पेटल आपस में जोड़ती है तो मेक टेपल, टेपल बनती है। और बेटा जो टेपल का ग्रुप है, जो टेपल की लेयर है, उसको उनके बोलते हैं पेरेंट बोलते हैं। अगर उस पेरेंट के साथ में स्टेमन अटैच हो जाए तो उसको उनके बोलते हैं एपिफाइलस कंडीशन बोल देते हैं। और एपिफाइलस कंडीशन में जो एग्जांपल आ जाएगा दैट इज लीली, एग्जांपल आ गया लीली, आई थिंक शायद क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वन है कोहेशन ऑफ स्टेमन, कोहेशन का मतलब है अटैचमेंट की बात इधर होने लग रही है कि जो स्टेमन है वो किस किस तरीके से जोड़ सकते हैं, फिर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेमन में भी फ्री और में भी यूनाइटेड, स्टेमन जुड़े भी हो सकते हैं बेटा, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो स्टेमन में भी यूनाइटेड और फ्री, यूनाइटेड का मीन फ्यूज और फ्री का मतलब अलग। तो अगर स्टेमन बेटा अलग अलग है, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए नहीं है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं दैट इज द पॉलीएंडस कंडीशन, पोली एंडस, पोली का मतलब मैनी और एंडस का मतलब मेल पार्ट। तो जब मेल पार्ट अलग अलग हों, जुड़े हुए ना हो, बहुत सारे हों, तो दैट इज नोन एज द पोली एंडस कंडीशन, व्हेन स्टेमन्स आर फ्री, अलग अलग हो, तो उसको हम पोली एंडस कंडीशन बोल देते हैं। दूसरी कंडीशन है मोनो एडल्फस कंडीशन, मोनो एडल्फस कंडीशन, मोनो का मीन एक, एडल्फस का मतलब बंडल, जिसके केस में बेटा बहुत सारे स्टेमन हैं लेकिन वो सारे के सारे एक ही बंडल में एग्जिस्ट करने लग रहे हैं, सभी आपस में फ्यूज हैं, जुड़े हुए, तो एक ही बंडल बना है इनका जुड़ने की वजह से। तो दैट इन ऑन द मोनो एडल्फस कंडीशन, व्हेन स्टेमन आर फ्यूज इन ए बंडल, नोन एज द मोनो एडल्फस कंडीशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो दो बंडल में बेटा, तो उसको क्या बोल देंगे, डाईएडल्फस बोल देंगे। When stamen are present in two bundles, तो उसको हम डाईएडल्फस कंडीशन बोलते हैं। जैसे मान लो ये
एक बंडल ही हो गया बेटा, दूसरा बंडल मान लो ऐसा भी हो सकता है, अकेला भी हो सकता है, और हम इस दूसरे बंडल में और भी दिखा सकते हैं। तो ऐसे दो बंडल बने हुए होंगे, तो एक और दो, तो दैट इज द डाइएडल्फस कंडीशन, ठीक है। अगर बहुत सारे बंडल हों तो उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीएडल्फस कंडीशन बोल देंगे। ये था पॉलीएंड्रस जो ऊपर हमने पढ़ा था, अभी मैं बात कर रहा हूं पॉलीएडल्फस की। ऐसे मान लो काफी सारे बंडल बने हुए हों, ऐसे बहुत सारे बंडल बन गए हैं, तो दिस वन इज नोन एज द पॉलीएडल्फस कंडीशन, ठीक है। व्हेन स्टैमेंस आर फ्यूज्ड इन मोर देन टू बंडल्स, अगर दो से ज्यादा बंडल्स में वो प्रेजेंट हो तो उन्होंने द पॉलीएडल्फस कंडीशन। आई थिंक शायद क्लियर होगा ये। तो ये हो गया यहाँ पर मेल पार्ट की कंडीशन। अब नेक्स्ट वन हम ओडील कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, दैट इज गाइनोसियम कंडीशन, लास्ट फ्लोरल पार्ट, दैट इज गाइनोसियम। तो ग्रुप ऑफ कार्पल, कार्पल के ग्रुप को हमने क्या बोल दिया, गाइनोसियम बोल दिया, ठीक है। जो फीमेल पार्ट है उसके ग्रुप को हमने क्या बोल दिया, गाइनोसियम बोल दिया। और आपको पता कि जो कार्पल है वो कुछ ऐसे दिखाई देती है, दिस अपर पार्ट इन्होंने द स्टिग्मा, दिस लॉन्ग ट्यूब इन्होंने द स्टाइल, एंड दैट स्वेलन पार्ट इन्होंने द ओवरी, and that completely known as the carpal। इस बेटा ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल, दिस ओवरी कंटेन द ओव्यूल। जो ओव्यूल है वो आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करेगा, सीड की, और जो ओवरी है वो आगे क्या बनाएगा, फ्रूट की फॉर्मेशन करेगा। ओवरी के अंदर के जो फ्री स्पेस है दैट इज नोन एज द लोक्यूल, उसको हम लोक्यूल बोलते हैं। तो जो गाइनोसियम है फिर जो कार्पल है दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, जो मेगास्पोरोफिल की मॉडिफिकेशन मानी जाती है, मॉडिफिकेशन ऑफ मेगास्पोरोफिल। इन तीनों पार्ट के बेटा अलग अलग काम होंगे। स्टिग्मा का मेनली काम क्या होगा, टू रिसीव द पोलन ग्रेन। स्टिग्मा क्या करेगा, टू रिसीव पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा। स्टाइल का काम क्या होगा बेटा, पोलन ट्यूब को गाइड करेगा और उसको क्या करेगा, नरिशमेंट देगा, गाइड पोलन ट्यूब एंड प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट। लास्ट वन है ओवरी, ओवरी बेटा फर्टिलाइज होके किसमें कन्वर्ट होगी, फ्रूट में कन्वर्ट इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा ओवरी आल्सो कंटेन ओव्यूल, ओव्यूल मे बी वन और मोर, ओव्यूल का नंबर एक एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब बेटा इससे रिलेटेड दो टर्म आती है, एपोकार्पस एंड द सिनकार्पस, ये देखिएगा एपोकार्पस, एपो का मीन फ्री, और दूसरा कौन सा बेटा, सिन कार्पस, सिन का मतलब फ्यूज। अगर मान लो किसी फ्लावर के अंदर
किसी फ्लावर में जो फीमेल पार्ट है वो ऐसे हैं, अलग अलग है, एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, अलग है, तो बेटा वो क्या कहलाएगी? आपकी एपोकार्पस कंडीशन कहलाती है, ठीक है। वेन कार्पल आर फ्री, वेन कार्पल्स आर फ्री, ठीक है, एक दूसरे से फ्यूज ना हो, अलग अलग हो, तो उसको आप एपोकार्पस बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल इनके शब्द लोटस एंड रोज, ठीक है, लोटस और रोज। सेम कार्पस का मतलब फ्यूज, जिसके केस में ओवरी या फिर फीमेल पार्ट आपस में फ्यूज हो गए हैं, जुड़ गए हैं, तो उसको बेटा आप क्या बोलते हो? सेम कार्पस बोलते हो। वेन कार्पल और ओवरी गेट फ्यूज, जुड़ जाए, ठीक है, तो उसको आप सिन कार्पस बोलते हो। तो इसके एग्जांपल आ जाएंगे आपके मस्टर्ड एंड द टोमेटो, तो बेटा इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली दिस वन, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेसेंटेशन, यानी कि किसी भी ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है या फिर जो सीड है वो प्लेसेंटा टिश्यू पे कैसे अरेंज होगा, दैट इन ऑन द प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।